करण जौहर के बर्थडे को लेकर पूरा बॉलीवुड एक्साइटेड था। काफी तगड़ी पार्टी हुई और उससे भी बड़ा हुआ वहां पर हंगामा, क्योंकि फर्स्ट टाइम करण जौहर के साथ ऐसा हुआ जो शायद पूरे बॉलीवुड में किसी ने ना किया हो और अभी इस वक्त किसी की ताकत भी ना हो ऐसा करने की। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं और जानते हैं कि कैसे कट गया बेचारे करण जौहर का। देखिए, करण की बर्थडे पार्टी बॉलीवुड के लगभग सारे बड़े सितारों ने अटेंड की थी। सब लोग वहां आए थे और जैसे हर साल होता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन करण जौहर पार्टी, क्योंकि भाई पता नहीं कब किसकी किस्मत बदल जाए और करण जौहर मूवी ऑफर कर दे, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड में सबसे बड़े मेकर्स में से धर्मा प्रोडक्शन ही कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन करण जौहर वॉज नॉट वेटिंग फॉर दीज पीपल, उनको इंतजार था पैन इंडिया सितारों का, क्योंकि भाई जितना अभी करण जौहर एक्टिव है इन लोगों के साथ आई थिंक कोई और नहीं होगा, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन के साथ काफी कोलैब रहा है पिछले दिनों में इन लोगों का। और वो उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी में राजा मौली आएंगे, पार्टी में NTR आएंगे, रामचरण आएंगे, प्रभास आएंगे, राणा दगोबती आएंगे, क्योंकि इन सब लोगों ने पीछे काम किया है और करण ने आई थिंक उनके वहां की सारी पार्टीज अटेंड करी हैं। लेकिन करण का कट गया, सबको इनविटेशन देने के बावजूद भी पार्टी में कोई भी नहीं पहुंचा, ना वहां पे रामचरण थे, ना NTR थे, ना राजा मौली थे। और भाई प्रभास तो आपको पता है, वो भाई खुद की पार्टी में ना जाए बंदा, इतना ज्यादा शर्मिला है, वो दूसरों की पार्टीज में कैसे जाएगा। और यही चीज करण को काफी बुरी लगी, जिस चीज को लेकर वहां पर हंगामा भी खड़ा किया कि आगे वाली मूवीज के बारे में कुछ बातें की गई। और करण का कहना है कि वो आने वाले टाइम में पैन इंडिया से मूवीज रिलीज हो रही हैं, जैसे कि RRR, पुष्पा, KGF, इनसे भी बड़े बजट के मूवी बनाएंगे। एंड टू बी फ्रैंक, मैं आपको बता दूं, मूवी बड़ी बड़े बजट से नहीं होती है, मूवी बड़ी होती है कहानी से, मूवी बड़ी होती है एक अच्छी एक्टिंग से और उसी तरीके से की गई मार्केटिंग से। ऐसा नहीं कि आपने 500,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और आपने अच्छी मूवी बना ही ली। भाई कलंक में भी काफ़ी पैसा लगाया गया था, मतलब कि काफ़ी पैसा जलाया गया था, आउटपुट रहा उस चीज़ का जीरो। तो यहाँ से तो ये दिमाग से तो आप निकाल दो कि करण जो बड़ा पैसा लगा के बड़ी फिल्म बना देंगे। भाई उतनी मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है, जो आई थिंक इस वक्त बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा हमारे पैन इंडिया सितारों के पास हैं। बाकी काफ़ी नाराजगी का दौर चल रहा है, अब देखते हैं करण अगला क्या स्टेप लेते हैं, किस किस को अपनी मूवीज में लेते हैं, किस किस को नहीं लेते। बट आई डोंट थिंक सो, जो भी इस वक्त पैन इंडिया सितारे बने हुए हैं, जैसे कि यश हो गए, रामचरण, NTR, अल्लू अर्जुन, इनको करण जौहर की जरूरत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इनको करण जौहर की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, जिनको नहीं लगता तो आप भी कमेंट करके बताएं क्यों नहीं लगता आपको ऐसा कि इनको जरूरत होगी। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द बॉलीवुड की नई खबरों के साथ, साथ में साउथ का तड़का। तब तक आप सभी को अलविदा।